इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आपके बीच में मुजम्मिल साहब, वार्ड नंबर दो, तीसरी बार वार्ड नंबर दो। पक्का असलम भाई बोल रहे हैं कि उनका हो गया पक्का। अभी फिर भी इनका वोट तो जाएगा, आप लोग याद से जाके वोट करना 3 तारीख को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी जमातों का मेरा सलाम। मैं वार्ड नंबर 37 से सभी जमातों से 16-17 जमातों का शुक्रिया अदा करती हूँ और कांग्रेस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जीत कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सोचा था खाली इलेक्शन जीतने को आए हैं, मैं तो पूरे जमातों को जीत लिया। मैं पूरे जमातों का बड़ा एहसानमंद हूँ। मेरा इलेक्शन तो 3 तारीख को है, मुझे लग रहा है मैं आज ही जीत गया। बस दुआ कीजिए कि ये पूरे आने वाले 5 साल मैं ये सारी जमातों के साथ में रहूँ और आपकी खिदमत का मुझे मौका दीजिए। इंशाल्लाह आपके हर काम में कभी भी आप मुझे बुलाए, आपके हर काम में मैं खिदमत के लिए आ जाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं उस कांग्रेस सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो मैं सलम कॉलोनी में रहता हूं रुक्मणी नगर में, मुझ जैसे आदमी को ये टिकट देकर बहुत एहसान किया है। इंशाल्लाह उस कांग्रेस पार्टी की भी इज़्ज़त रखूँगा, इस मोहल्ले उज्जवल नगर की भी इज़्ज़त रखूँगा,
इस मोहल्ले के आजू बाजू जितने भी मेरे वार्ड के अंदर है लोग, उन सब का एहसान मानते हुए मैं रुख्सती लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उज्जवल नगर का रहवासी हूँ और यहाँ पर जितने भी चेहरे हैं ये पूरे 17 जमातों के चेहरे हैं, जो आटो नगर से लेकर उज्जवल नगर तक और गांधी नगर के भी, उस्मानिया मस्जिद के भी ज़िम्मेदार हैं। तो मैं, ये इत्तेहाद जो बना है इंशाल्लाह ये इत्तेहाद हमें जीत तक ज़रूर पहुँचाएगा। मैं जमातों से सब की तरफ से अपील करता हूँ, वार्ड नंबर 37 के वोटर्स से, कि 5 साल इस बच्चे को खिदमत का मौका दें। इंशाल्लाह ये जमातों का फ़ैसला है, गोया खुदा का फ़ैसला है, आने वाले वक्त में ये बच्चा पूरे 5 साल तक जमातों का कहना मानकर आप आवाम की खिदमत ज़रूर अंजाम देगा। और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोड गटर तो सभी जगह बनती हैं, कॉरपोरेटर हो या ना हो, मगर हमारे हुकूक़ जो हैं, माइनॉरिटीज़ के जो हुकूक़ हैं, जो गवर्नमेंट से बहुत सारी स्कीम्स आते हैं, बहुत सा फ़ायदा है। इंशाल्लाह ये बच्चा एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, हमारी आवाज़ को कॉरपोरेशन में उठाकर हमारे वार्ड की भलाई के लिए काम देगा। ये 17 जमातों की अपील है, ये वक्त कम है, इसलिए 17 जमातों की तरफ से ये बात करने का मौका मुझे दिया गया। मैं तमाम वार्ड नंबर 37 के उज्जवल नगर, रुक्मिणी नगर, न्यू गांधी नगर, अमन नगर के हक परस्त इंसानों से ये अपील करता हूँ कि इस कैंडिडेट को अपना ताउन करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, वार्ड नंबर 37 के उम्मीदवार शाह मुबीन सलीम अफजल खान पठान, जो वार्ड नंबर 37 के उम्मीदवार है, और सबसे माशाल्लाह बात यह है कि 16-17 जमातें जो उज्जवल नगर, रुक्मिन नगर, यासीन मस्जिद, हमारे पूरे वार्ड 37 की पड़ती हैं, इन सभी का सपोर्ट हमारे साथ है। तो इंशाल्लाह सब मिलकर जितनी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह हमें कामयाब भी करेगा। तो सबसे दरख्वास्त है कि वार्ड नंबर 37 से जो कांग्रेस के कैंडिडेट शाह मुबीन सलीम अफजल खान बैठी हुई हैं, इनका निशान है कांग्रेस का हाथ। आप सुबह 7 बजे जाकर पोलिंग बूथ में सबसे पहले अपने घर वालों को लेकर 2 नंबर बटन पे अपना वोट का निशान लगाएं और कांग्रेस को जिता कर लाएं। सभी को दरख्वास्त यह है कि इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी ये है कि हमें इसकी ताकत का अंदाज़ा भी है, तो सब मिलकर हमारी पार्टी को जिता कर लाइए। इंशाल्लाह आपका एक दिन हमें दीजिए, 5 साल आपके लिए हम कुर्बान करेंगे और हमारे मोहल्ले को डेवलप करेंगे। और सभी, मैं तो सबसे पहले 16-17 जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल समझकर हमारे कैंडिडेट को चुना और इस काबिल समझा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलीमा गोकाकवाले, मैं वार्ड नंबर 37 की उम्मीदवार हूँ। मेरा निशान है हीरा और मेरा सीरियल नंबर है 12 नंबर पर वोट देके भरी तजाद में मुझे कामयाब बनाइए। मैं 25 साल से कांग्रेस पार्टी में काम करते आई हूँ, उसका सिला मुझे नहीं मिला और मेरे उम्मीदों पे पानी फिरा गया है। और मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ और मुझे कॉरपोरेशन का कुछ सालों पहले 2006 में कॉरपोरेशन का मुझे टेंडर मिला था। मैं सोशल वर्कर काम की हूँ, कॉरपोरेशन का मुझे नॉलेज है और औरतों की सेवा की हूँ मैं, और राशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन और जो भी है करोना मरीज और डिलीवरी औरतों का, इतना काम करने के बावजूद भी मुझे इस बात का मुझे सिला नहीं मिला, मेरे उम्मीदों पे पानी फिरा है। तो मैं आज़ाद उम्मीदवार से मैं बैठी हूँ और कांग्रेस पार्टी में मैं 25 सालों से काम की थी और मुझे उधर से भी मुझे कुछ सिला नहीं मिला। मैं फिर से एक बार आप तमाम वार्ड लोगों को गुजारिश करती हूँ कि आपका कीमती से कीमती होर देके मुझे कामयाब बनाइए, फिर से मुझे और एक बार आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौसीफ पठान है, न्यू वीरभद्र नगर 7th क्रॉस वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ और आने वाले जुमा के दिन वोटिंग है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके मुझे कामयाब बनाएं और आज पूरे मोहल्ले के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें भी साथ में है, तो आप वोट ज़ाया ना जाए आपका, तो अच्छे से सुबह उठ के पहले वोटिंग कराएं और मुझे कामयाब बना के। शुक्रिया, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुख्तार सलीम इनामदार,
मैं वार्ड नंबर 38 से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, जनता दल सेक्युलर पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ मैं। मेरा एजेंडा इस इलेक्शन के लिए जो है, सिर्फ तीन एजेंडा रखा हूँ मैं मेन मेरे वार्ड के लिए। एक एजुकेशन, सेकंड हॉस्पिटल, तीसरा हमारे गरीब बच्चों की शादी। ये तीन एजेंडा के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। क्यों, आज आप जो हालात देख रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में, मैन हमारे लोगों के अंदर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जो रोड वगैरह बोलो, गटर वगैरह बोलो, ये डेवलपमेंट तो ज़िंदगी भर चलते ही रहेंगे और ये ऑटोमेटिक होते रहेंगे। मेन एजेंडा जो है हमारे लोगों में जो बदलाव लाना है, जो आज माहौल बिगड़ रहा है हमारे मोहल्ले में और हमारे जो गलियों में जो माहौल बिगड़ रहा है, वो माहौल मुझे सुधारना है। तो मैं ये तीन एजेंडे लेके आपसे वोट मांग रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुझे वोट कर जिताइए, बल्कि मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे वार्ड के सभी लोगों को।